नमस्कार साथियों, आशा है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को हर प्रकार की डिक्टेशन उपलब्ध कराई जाए तथा आपका सिलेक्शन सुनिश्चित किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में आज का टेस्ट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। डिक्टेशन टेक 10 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी? जीवन न तो फूलों की सेज है और न कांटों का ताज ही, अपितु यह तो सुख दुख, आशा निराशा, खुशी दर्द आदि का मिश्रण है। विराम, स्वप्न देखना या उनमें विचरण करते रहना मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है, किंतु जीवन स्वप्न नहीं है, अपितु यह संघर्ष है। विराम, ये संसार स्वप्न है क्योंकि यह भंगुर है, किंतु बीते हुए कल अर्थात भूतकाल के स्वप्न जहाँ शिक्षा प्रदान करते हैं, वहीं भविष्य के स्वप्न प्रेरणा प्रदान करते हैं। विराम, अतः यह कहा जा सकता है कि ये जगत स्वप्न होते हुए भी निसार नहीं है। विराम, हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि भ्रम सत्यम जगत, सत्यम मिथ्या संसार, केवलम अर्थात जीवन एवं जगत सत्य हैं, उनके संबंध मिथ्या हैं। विराम, दार्शनिक दृष्टिकोण से जगत स्वप्न होते हुए भी निसार स्वप्न नहीं है। विराम, व्यवहार में भी सभी स्वप्न व्यर्थ नहीं होंगे। विराम, कुछ स्वप्न संदेश देते हैं तो कुछ चेतावनी देते हैं। विराम, इस जगत को अपनी कर्म स्थली मानने वाले मनुष्यों के लिए यह सारवान स्वप्न है, तो इसे केवल भोग स्थली मानने वाले मनुष्यों के लिए यह निसार स्वप्न है। विराम, सपनों की मृग मरीचिका से कोई लाभ नहीं है, उसमें कर्मशीलता की कला चाहिए। विराम, अपने कर्तव्यों से विमुख होकर स्वप्नों की इमारत खड़ी करना निरर्थक जीवन का ही लक्षण है। विराम, स्वप्न में जीवन भ्रम मात्र है, जैसे अंधकार में साधारण रस्सी भी सांप की भांति प्रतीत होती है। विराम, जीवन में संशय और भ्रम ही सारहीन स्वप्न बनकर आते हैं। विराम, जीवन इस भ्रामक स्वप्न लोक में विचरण करके समाप्त करने के लिए नहीं बना है। विराम, पुरुषार्थी मनुष्य समय के पृष्ठों पर अपनी छाप छोड़ते हैं और जिसमें पुरुषार्थ नहीं है अर्थात परिश्रम की क्षमता का अभाव है, वह जीवन को कोसता हुआ निसार जीवन व्यतीत करता है और तर्क वितर्क में वह अपूर्णता में निष्क्रिय हो जाता है। विराम, जीवन को निसार वही मनुष्य समझता है जिसने कर्म भूमि को नकारा है। विराम, पैरा, मनुष्य का सोचना व तर्क करना गतिशील जीवन है। विराम, प्रकृति उसे आगे बढ़ने
के लिए प्रेरित करती है। विराम, जीवन में आने वाली पीड़ाओं से घबरा कर रोने वाला मनुष्य कभी भी सुख के सागर में गोते नहीं लगा सकता। विराम, निरंतर उत्साह, उमंग, विश्वास, प्रेम एवं साहस ही जीवन का सार तत्व है। विराम, यह सोच की कर्मठता का ही प्रतीक है। विराम, स्वपन में सोच निसार है, निरर्थक प्रलोभन है। विराम, स्वपन पूर्ण न होने की स्थिति में विषमता आती है। विराम, कष्ट एवं सुख की साम्यावस्था में ही जीवन जीने की कला समाहित है। विराम, पैरा, जीवन अतृप्ति में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। विराम, मृत्यु के भय से आलस्य मत करो, क्योंकि मृत्यु तो अटल सत्य है। विराम, जो इस नश्वर क्षणिक भंगुर संसार में आया है उसे तो एक दिन मरना ही है, तो मृत्यु से भय कैसा। विराम, इस प्रकार यदि मृत्यु अनिवार्य है तो जीवन यथार्थ है। विराम, यदि जीवन निसार होता तो अन्न फल फूल आदि न होते और न ही आशा लतीका होती। विराम, जीवन में आशा है और ऐसा भी नहीं कि संसार मिथ्या है। विराम, जीवन से विरक्त होकर स्वपन संसार की कल्पना करना सर्वथा व्यर्थ है। विराम, जीवन की वृत्ति स्वपन की भांति असत्य नहीं है। विराम, सपने अल्पकालीन और परिवर्तनशील होते हैं। विराम, सपने व्यक्तिगत होते हैं जिनकी अनुभूतियां स्थिर नहीं होती। विराम, सपने कोरे प्रतिभास मात्र है। विराम, जीवन व्यवहार है जिसमें सत्य समाहित है। विराम, जीवन सारहीन प्रतीत होता है किंतु इसकी प्रगति सद्गुणों पर निर्भर करती है। विराम, जीवन साधना का क्षेत्र है। विराम, ऊपरी समुद्र को सूक्ष्म में उतारा जाए तो रहस्य की प्राप्ति होगी।